What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. ये channel है सिर्फ और सिर्फ dance के बारे में. तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना अपने dance वाली image से बाहर निकल के मैं कुछ और भी बहुत ही amazing चीज आपके सामने लेके आऊँ. ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है जो बहुत ही ज्यादा underrated है इंडिया में, which is dance memes. I will just give my honest feedback. If you guys want to like it, cool. If you want to subscribe my channel, please go do it right now. I will see you in the video. अगर आप वेडिंग कोरियोग्राफर हो तो ये चीज तो आपने पक्का एक्सपीरियंस करी है. आपने फॉर श्योर ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आपको कोई ना फलाने अंकल कॉल करके बोलते हैं, हेलो भैया जी ऐसा करना है वैसा करना है, कितनी कोरियोग्राफी, आप जरा अपनी वीडियोस भेज दो. तो पता चलता है जी क्या करना है, आपको करना है ऐसे, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है. तो मैं इसके लिए वीडियो क्यों भेजू? अरे भाई मुझे ना अपने एक्चुअल स्कूल के दिन याद आ गए. मतलब मेरे स्कूल में ना ऐसा जरूर होता था, हमेशा देखते थे कि कुछ को बहुत अच्छे गाने मिलेंगे, उन लड़कियों को बहुत अच्छे गाने मिले, उन लड़कियों को बहुत अच्छे गाने. हमारी क्लास की लड़कियां नाचती थी और हम वैसे भी उनको नहीं देखना चाहते थे. एकदम हाई लेवल विवाह मूवी वाली फीलिंग आ जाती थी मुझे अपने स्कूल में लड़कियों का ऐसा डांस देखकर. पक्का आपको भी बहुत सारी शादियों में ऐसे अंकल मिले रहते होंगे जो बहुत ज्यादा भरे बैठे रहते हैं अंदर, और वो वैसे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट स्टेप्स करके आपको और खींच के ले आएंगे अपने साथ में, बोलेंगे देख करके दिखा, करके दिखा, देख मेरा डांस, देख मेरा डांस, और आप ऐसे खड़े होकर देख रहे होते हो, ये कर लो पहले. और वो अंकल अपने आपको सबसे बेस्ट समझ रहे होते हैं. डीजे वाला खड़ा होकर सोच रहा होता है यार इतना बढ़िया लग रहा था. ये वाला ना मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है. मेरे साथ क्या मतलब बहुत लोगों के साथ होता है, मैं सोचा तो हूँ लोग फुल मेकअप करके और ऐसे करके ना भीड़ में खड़े होते हैं, एकदम ऐसे फुल रोड पे टिकटॉक विकटॉक बना रहे होते हैं. मतलब टिकटॉक तो खत्म हो गया बट बाकी की सारी ऐप्स की वीडियोस बना रहे होते हैं और कुछ भी कर रहे होते हैं, मतलब प्रॉपर डांस भी नहीं और कुछ भी कर रहे होते हैं, और मैं ऐसे देख रहा हूँ मतलब ये लोग पेक ऑफ है भाई. इनको अगर तुम खड़े शेर के सामने भी बोल दोगे ना यार टिकटॉक बनानी है तो, और या फिर ये ऐसे किसी जंगल में फंस जाए जहाँ पर शेर इनको पकड़ के बस खाने ही वाला है, उस पॉइंट पे भी खड़े होके वो लोग अपना कंटेंट बना दे. ये वाला अगर आप प्रोफेशनल डांसर हो और कोरियोग्राफर्स के साथ काम करते हो तो ये वाला तो आपको फॉर श्योर कनेक्ट हुआ होगा. कोरियोग्राफर आएगा, अच्छा लग रहा है, ये सब बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा रखना हल्का, अरे नहीं थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा बाहर. बंदा आधा डांस वहीं पर ही कर देता है. तो मेरे साथ मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला तो पर्टिकुलरली फुल पावर कनेक्ट रहता है. आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को ऐसा कनेक्ट होता है? अगर होता है तो डेफिनेटली कमेंट में लिख दो जल्दी से. ओहो भाई साहब ये तो होता ही है. फिर वो कई बार ना ये बात लगती थी, मैं जब छोटा था ना तो फिर मैं हमेशा ही सोचता था कि यार ये हीरो आता है और वो नाचना शुरू करता है और फिर उस जगह पर जितने भी बंदे होते हैं सबको सारे स्टेप्स आते हैं. इससे पता चलता है बॉलीवुड पूरी रियलिटी नहीं दिखाता, इनफैक्ट मूवीज पूरी रियलिटी नहीं दिखाते, ऐसा असलियत में नहीं होता. टू द पॉइंट. अबे ये मैंने कभी सोचा नहीं, पर हाँ मतलब बहुत ही डिफरेंट और वियर्ड कंसेप्ट है बॉलीवुड मूवीज का. ये वाली मूवी में वो ऐसा उसको मोर वोर दिख जाता है और वो सब होता है, उसके बाद वो ऑल ऑफ अ सडन बोलती है अरे ये मोर दिख गया और गाना स्टार्ट हो जाता है, मारे हिवड़ा में नाचे मोर. भाई पर ये बहुत सही था, ये जिसका भी था बहुत सही था भाई. इस वाले में मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे हद पार गुस्सा आता है, और ये प्रॉपर टिपिकल बी क्लास सिटी में होता है, खासकर विलेजेस में है. और मतलब ठीक है बॉस आपके लिए थोड़ा फनी था बट मेरे लिए नहीं था पर्सनली फनी, ठीक है ना? तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा, मतलब कि अगर मैं पर्सनली ऐसा कुछ देखूंगा तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई तेरे को क्या बकवास है मतलब. और कुछ ऐसी शहरों में भी बीच बीच में जगहें होती है ना वहां पर भी ये कंसेप्ट है, मतलब कि डांस को सीधा कंपैरिजन कर देते हैं वो लोग कि भाई इसमें तो माता आ गई. कुछ भी यार कुछ भी. तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऐसा बोलता है ना भाई उठा ले गए उसका आंसर दो, ठीक है? अरे भाई यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सनी देओल को ना, सनी देओल सर को सॉरी, बहुत ही बुरा लगता होगा यार ये सब देख के कि उन्होंने कितनी मूवीज में कितने सारे डांस किए हैं यार जो इतने आइकॉनिक. आप कौन सा बहुत बढ़िया वाला डांस याद है आपको? आपको पर सनी देओल का डांस याद है ना? तो उन्होंने एक अलग किस्म का डांस है यार, उसको बेकार मत बोलो बट बनाया बढ़िया भाई, सही था, दोनों रिलेट हुआ अच्छे से. सो दिस इज इट गाइस, वी आर डन विद द वीडियो. आई थिंक ये कुछ ऐसी डांसिंग मीम्स थे जिनको मैं रेगुलरली बहुत टाइम से देख रहा था, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ एंड एट द सेम टाइम आप लोगों से बात भी करूँ इस बारे में.
मैं बहुत सारा डांस रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पे डाल रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे. सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो अभी तक चैनल को नहीं किया तो. मेक श्योर डेफिनेटली इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो. टिल देन मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन.